हे फ्रेंड्स, आई एम रश्मि। वेलकम टू रस आर्ट क्रिएशन। सो आज मेरे पास है मदर्स डे के लिए गिफ्ट आइडिया। ये एक्सप्लोजन बॉक्स है जिसे मैंने ज्वेलरी बॉक्स के पर्पज़ से बनाया है। इसमें आप अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लोजन बॉक्स को बनाना शुरू करते हैं। इस ज्वेलरी बॉक्स को बनाने के लिए मैं हैंडमेड क्राफ्ट पेपर यूज़ कर रही हूँ, जो एक साइड से प्लेन रहता है और सेकंड साइड से प्रिंटेड रहता है। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम 27x27 सेंटीमीटर का पेपर लेंगे, उसमें 9 सेंटीमीटर्स में लाइन ड्रॉ करके हम बॉक्स बना लेंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो चारों कॉर्नर के बॉक्स हैं उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और अब पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे, जो चार बॉक्स बने हैं आउटर साइड पे उन्हें। और अब इस बॉक्स के लिए हम कवर बनाएंगे। उसके लिए 13x13 सेंटीमीटर का पेपर लेंगे और साइड से, जो चारों साइड्स हैं वहाँ से हम 1.9 सेंटीमीटर पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। फिर उस लाइन से पेपर को फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल पेपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास हैंडमेड जो पेपर है पैटर्न वाला, वो सिंगल पीस था। आप सेम पेपर से लीड बना सकते हैं। और अब पेपर के जो चारों कॉर्नर हैं वहाँ पे जो बॉक्स बने हैं उसके एक सिंगल लाइन को कट करके पेपर को फोल्ड करके हम इसका लीड बना लेंगे। ध्यान से देखिए मैं पेपर को कैसे कट और फोल्ड कर रही हूँ। तो हमारे बॉक्स का कवर या लीड, आप बोल सकते हैं, वो रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रखेंगे और जो मेन बॉक्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसके दोनों साइड पे मैं यहाँ पे फोम प्लेस कर रही हूँ। इसमें जो स्मॉल इयररिंग्स हैं हम वो प्लेस कर सकते हैं। ओके, अब बाकी दो साइड के लिए मैं यहाँ पे मैच बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्मॉल बॉक्सेस चाहिए कवर वाले। सबसे पहले मैं इसे वाइट पेपर से कवर कर लूँगी, जो मैच बॉक्स है उसे। आप पैटर्न पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्लेन पेपर यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर में। सिर्फ आउटर जो साइड है उसे मैं कवर कर रही हूँ। और इसके बाद इस मैच बॉक्स को, जो हमारा मेन बॉक्स है ज्वेलरी बॉक्स, उसमें हम फिक्स कर लेंगे। ओके, साइड्स को डेकोरेट करने के बाद सेंटर में ज्वेलरी रखने के लिए मैं एक ओपन बॉक्स यहाँ पे मैंने रेडी किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बॉक्स का कवर तैयार किया था। इसे काट के सेंटर पे प्लेस कर देंगे
एंड अगर आप चाहें तो इस बॉक्स का हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं। बॉक्स के बाद बॉक्स के कवर को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं रोज़ और हाफ कट पर्ल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे जैसा चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं या चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। ओके, तो कवर को डेकोरेट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने ज्वेलरीज को बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस बॉक्स में ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। आई होप आपकी मॉम को ये गिफ्ट पसंद आएगा अगर आप उन्हें ये बना के देंगे उनके ज्वेलरीज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये गिफ्ट आइडिया, एक्सप्लोजन बॉक्स का आइडिया पसंद आया, आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।